नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। मेहतपुर के गांव उधोवाल में एक अज्ञात नौजवान ने घर में दाखिल होकर चलाई गोलियां, मां की मौत, बेटा गंभीर घायल। फरीदकोट पुलिस ने दो महिला नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, 4 ग्राम हेरोइन, 58,000 रुपए की ड्रग मनी की बरामद। अमृतसर के तरन तारण रोड पर पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुई लड़ाई, चले ईंट पत्थर, हुई फायरिंग। और अब हलचल विस्तार से। मेहतपुर के अधीन आते गांव उधोवाल के एक घर में दाखिल होकर अज्ञात व्यक्ति की ओर से गोलियां चलाई गई, जिस कारण गोली लगने के कारण मां की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नकोदर के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे उपचार हेतु जालंधर के सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही SI मेहतपुर वरिंदर सिंह, पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि एक नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया और उसने गेट खटखटाया और कहा कि उनका बिजली का मीटर चेक करना है। जब घर में मौजूद महिला ने दरवाजा खोला तो मोटरसाइकिल सवार युवक ने गोलियां चला दी, जिस कारण महिला की मौत हो गई। जब बेटे ने बाहर आकर देखा तो उसे भी गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेहतपुर से हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कल भाजी सुबह मॉर्निंग करीब टाइम होना 6:30-7:30 जी, तो अणपछाता बंदा घर आया जी पिंड उधोवाल च, उन्हें आके गेट खिलाया, कहिंदा जी तुहाडे बिजली का मीटर खराब आ। घर की कुड़ी साड़ी कहिंदी कि नहीं मीटर ठीक आ। उन्हें इन्हों कह सुनदा सारी फायरिंग शुरू करती। बेटा बाहर अपनी माँ की आवाज़ सुन के आया तो उन्हें बेटे से भी फायर करती जी, तो रौला रौला पाया जी, मार के तो भज गया जी। बंदा एक जना सी या ज़्यादा सी? नहीं, बंदा मे भी शायद इकला आदमी सीगा जी, तो जिस साड़ी बेटी सी गुरबख्श कर उहदी मौत हो गई है जी, ते मुंडे नूं इत्थों सरकारी हॉस्पिटल जलंधर रैफर करता है। की नाम आ? दीपक कुमार मुंडिया नाम है जी। तुहाडा? मेरा भाणजा जी। अच्छा अच्छा, जिहड़ा आया सीगा व्यक्ति आया सीगा, इहदे बूहां बन्निया सी जां किस तरह कोई? नहीं, उह मूंह नहीं बद्धिया था जी। कोई पुरानी रंजिश चलदी? कोई रंजिश नहीं, इहो जी गलबात नहीं कोई हैगी। साडी बेटी नूं मौत दे घाट तारता बंदा खड़ा रोकी करदा, उहनूं दोषी नूं फड़न फड़ के उहनूं सज़ा देण जी, सानूं इंसाफ मिलना चाहीदा, इही मंग करदे जी प्रशासन। कोई सिरे नूं तलाह मिली हैगी? कोई अणपछाता व्यक्ति आया घर दे विच ते जिन्हें फायर किए आ, ते जिन्हां इक लेडी दे गोली लगी, इक मुंडे दे गोली लगी है, जिन्हां नूं इलाज लई ते सिर्फ हस्पताल लिआंदा सीगा, जिहदे डाक्टर चैक करके दस्सिया जी लेडी उहदी मौत हो गई है, ते मुंडा जिहड़ा जेरे इलाज वा। जिन्हां दी मौत होई उहनां दा नाम की है? गुरबख्श कौर उहनां दा नाम। किहड़ा पिंड इह? उधोवाल जी। ते जिहदे जिहड़ा जख्मी हैगा उहदा नाम की है? उहनां दा बेटा वा दीपक जी। पता लगा की कारण होया गोलियां चलण दा? ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ CCTV 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ CCTV ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ? CCTV 'ਚ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ? ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੀਗਾ। फरीदकोट के SSP हरजीत सिंह के निर्देशों पर जिले में समाज विरोधी तत्वों और नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है, जिसके चलते फरीदकोट सिटी थाना की पुलिस ने नशे की तस्करी करती दो औरतों को 4 ग्राम हेरोइन और 58,000 की ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया है। इनमें एक औरत दीप्ति बलबीर बस्ती फरीदकोट और दूसरी नवजोत कौर तरन तारण जिले की रहने वाली है। इस संबंधी थाना सिटी के इंचार्ज गुरविंदर सिंह ने बताया कि दो नशा तस्कर महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 4 ग्राम हेरोइन और 58,000 की ड्रग मनी भी बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि अदालत ने इन दोनों का एक दिन का पुलिस रिमांड दिया है और इनसे और भी जानकारी मिलने की उम्मीद है। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ 58,000 ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿੰਪੀ ਆ ਅਤੇ ਬਲੀਰ ਬਸਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਸੌਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰਟ 'ਚ।
अमृतसर के तरन तारण रोड पर पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में लड़ाई हो गई। इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि ईंट पत्थर चल गए, जिस कारण इलाके में डर का माहौल बन गया। वहीं यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए इलाका निवासी अवतार सिंह ने कहा कि नशे के कारण उनके इलाके में कई नौजवानों की मौत हो चुकी है और इस संबंधी वे पुलिस को कई बार अपील कर चुके हैं, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि इलाके में नशा खत्म हो, जिस कारण यह लड़ाई हुई है। वहीं इलाके के रहने वाले परमजीत सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले उनके बेटे का प्रिंस नामक नौजवान के साथ झगड़ा हो गया था, जिसके बाद में राजीनामा भी हो गया। उन्होंने कहा कि गत दिवस गोरे नामक नौजवान का प्रिंस के साथ झगड़ा हो गया, जिसके बाद प्रिंस व उसके समर्थकों ने गोरे के घर जाकर उसके पारिवारिक सदस्यों के साथ मारपीट की। वहीं जब इस संबंध में पुलिस अधिकारी रंजीत सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर कुछ नौजवानों में तकरार हो गई है, जिसको लेकर दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं, जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अहीं ना कुछ दिनों तो 15-20 दिनों तो मीटिंग कर रहे हैं वख-वख गुरुद्वारे साहब चौंकों के विच। साडे इलाके नशा बहुत विक रहा है, नशा बहुत विक रहा है, इस नशे को बंद करने वास्ते ये सारा ही उपराला कर रहे हैं। साडे नाल कौंसल साहब ने इलाके के होर भी बहुत और बंदे ने जो सारे ने मीटिंग की है भी इलाके का नशा जरा खत्म होना चाहिए। इस करके नशे की नशे के संबंध की जारी जी गोली चली है तो ना जो रेटा रोड़े चले आ अं सारे लोगों के घर चु जो मुंडे वेचते उन्होंने कहा भी है भी नशा ना वेचो। अं ये संबंध से SSP साहब न मिला, DSP साहब न मिला। गुरजन सिंह भाई प्रिंस मेरा नाम है। कितों आ रहे थे, की होया की भाजी? मैं रात शहीदा बाजार गया हाँ, तो उतों घर नू आ रहा हाँ 9:30 बजे, तो रास्ते च इन्होंने मेरे ते हमला करता 8-9 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਡੜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਕੱਲਾ ਆਈ ਇੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਲਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਾਤੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ गोलियां चलाईया गया, बोतलां चलाईया गया। जंट सिंह पुत्र परमजीत सिंह ते गोरा पुत्र मंगल सिंह, इन्हां दोवां धिरां दी आपस रंजिश चलदी सी काफी पुरानी, जो राती फिर इन्हां दी 9:30 बजे के करीब लड़ाई हुई सी, जिदे विच मामूली सट्टा इन्हां नूं आपस विच लगियां सी, जो दोवां दे रानूं डाक्टर दे दित्ता गया ते इह मैडिकल कराउण चल गए। उस तों बाद फिर गोरा पुत्र मंगल सिंह अपने नाल होर अणपछाते मुंडे लै के आया ते इन्हें गुरजंट सिंह इलियस प्रिंस दे घर दे बाहर इन्हें फायर कर दित्ते ते बोतलां आदि तोड़ के ते इह मौके तों फरार हो गया। इस संबंधी असी मुकदमा दर्ज किया कर लिया है ते इनू अर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अचनाला के गांव सराय में एक ट्रक चालक की नशे की हालत में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक की जेब में टीका और चिट्टे की पुड़िया भी बरामद हुई है। इस संबंधी मृतक सरबजीत सिंह के रिश्तेदारों ने बताया कि वह ट्रक ड्राइवर का काम करता था और गत दिवस वह घर आया था और सुबह नशे के कारण उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतक अपने पीछे दो छोटे बच्चे छोड़ गया है। उन्होंने कहा कि गाँव में नशा सरेआम बिक रहा है और गाँव में बहुत सी मौतें हुई हैं, जिस पर पुलिस मूक दर्शक बन बैठी है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि नशा बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। यह ट्रक चलाउंदा ही है ते बाहर ही नशा नुशा करता रहा, हुण पता तो होने ही लगा इन्हां नूं कि नशा करता ते अचानक किते कोई टीका टूका ला लिया ते उहदे नाल मौत हो गई। ਪਿੰਡ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟਾ ਬੜਾ ਵਿਕਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ।
ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾ ਕਹਿਰ ਰੁਕਨੇ ਕਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਮੌਤੋ ਕਾ ਆਂਕੜਾ ਬੜਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇ ਕਸਬਾ ਮੱਖੂ ਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ जहां नशे का टीका लगाने के कारण एक नौजवान की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक नौजवान सिमरनजीत सिंह निवासी गांव जोगेवाला नशे का आदि था और पिछले लंबे समय से नशे का टीका लगा रहा था। उसे परिवार ने भी बहुत बार रोकने की कोशिश की लेकिन गलत संगत के कारण वह नशा करने से बाज नहीं आया जिस कारण संदिग्ध हालातों में उसकी लाश खेतों में मिली है और उसके हाथ में इंजेक्शन पाया गया है। तो वहीं मृतक के पारिवारिक सदस्यों और गांव वासियों ने सरकार से मांग की है कि नशे पर रोक लगाई जाए ताकि नौजवान पीढ़ी को नशे के कोड से बचाया जा सके। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਫੇਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਠੋ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਦੀ ਉਠਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਆ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਲ ਵਸਨੀਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪਿਓ ਦਾ ਦਰਦ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ। पंजाब में गेहूं उत्पाद के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री का फार्म डिस्ट्रिक्ट संगरूर नंबर वन बन गया है। 23 अप्रैल 2023 तक संगरूर की मंडियों में 9,01,639 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई जबकि पिछले वर्ष कुल 8,74,496 मीट्रिक टन गेहूं ही मंडियों में आया था। अभी तक की खरीद के मामले में पटियाला दूसरे स्थान पर और फिरोजपुर गेहूं उत्पाद में तीसरे स्थान पर है जबकि पठानकोट अब तक गेहूं उत्पाद के चलते मंडियों में हुई खरीद में सबसे पीछे है। ये जानकारी डिप्टी कमिश्नर संगरूर जितेंद्र जोरावर ने दी। भले ही पंजाब में इस बार बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि के चलते किसानों का बड़े स्तर पर गेहूं की फसल का नुकसान हुआ है लेकिन इसका असर पंजाब के कई जिलों में कम देखने को मिला है। संगरूर में भी बारिश का असर ज्यादा नहीं था। संगरूर में महज 43 गांवों में ही बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि के चलते किसानों की गेहूं को नुकसान हुआ था। अगर वर्ष 2022 की बात की जाए तो उस समय किसानों की गेहूं की फसल का उत्पाद बहुत कम हुआ था। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। 16 किलो की फसल बेची है मैं, 4.5 क्विंटल का बिगे चो झाड़ लिकड़ा हूँ तक, मीह भी पिया थी पर इत्थे जिले च इन्ना नुकसान नहीं है, साढ़े थोड़ा नुकसान है, बहुता नहीं है। पिछली बार कणकां घट निकली ना, पिछली की कारण रहा इसकी की? वो गर्मी ज्यादा पै गई थी ते झाड़ दा इसकी पिछले सालों फर्क है, 4 क्विंटल के करीब हैगी। बाकी जिहड़ा मौसम ठंडा रहा इहदे करके भी है, मीह ने खैर नुकसान तो करिया पर थोड़ा मोटा नुकसान होया, जे फायदा भी करिया नुकसान भी होया। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ। ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 2,91,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਤਲਬ ਕਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਅਰਾਈਵਲ ਸੀਗਾ 8,74,000 ਸਮਥਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 9 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਮਤਲਬ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਚੱਲੂਗੀ।
अमृतसर पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह के दिशा निर्देशों पर गलत तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत थाना छहरट्टा की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले दो नौजवानों को काबू कर पुलिस द्वारा उनके पास से 20 के करीब चोरीशुदा वाहन बरामद किए गए। इस मौके पर थाना छहरट्टा प्रभारी गुरविंदर सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि चौकी गुरु की वडाली के पुलिस अधिकारी बलविंदर सिंह की अगुवाई में चोरीशुदा वाहन के साथ दो दोषी काबू किए गए हैं, जिनके पास से चोरीशुदा 14 मोटरसाइकिल और 6 एक्टिवा बरामद की गई है। वही थाना छहरट्टा अमृतसर में गिरफ्तार दोषी बलजीत सिंह वासी गांव पत्तल थाना घरिंडा अमृतसर के पास से चोरी का एक मोटरसाइकिल बिना नंबर के बरामद किया है, जिसे अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया गया है, जिससे पूछताछ के दौरान 4 एक्टिवा 7 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जब भी पुलिस उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश करती तो यह खुद को दोरा डाल लेता था और एकदम से गिर जाता था, जिस कारण पुलिस इसे गिरफ्तार करने से डर जाती थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पिछले दिनों दे विच साडे चौकी इंचार्ज गुरु की बडाली सब इंस्पैक्टर बलविंदर सिंह ते इन्हां दी टीम ने जिहड़ा बहुत वधिया काम कीता, इन्होंने FIR नंबर 70 मिति 19/4/23 अंडर सैक्शन 379/411 ते दूसरा मुकदमा नंबर 72 मिति 21/4/23 अंडर सैक्शन 379/411 IPC थाना छाटा, ये दोवें वख-वख मुकदमे दर्ज करके इन्होंने पहले मुकदमे दे विच बलजीत सिंह उर्फ इल बलीली पुत्र बलबीर सिंह वासी पिंड तत्तल थाना घरिंडा अमृतसर देहाती ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਉਰਫ ਸੋਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬਲੀਲੀ ਕੋਲੋਂ 4 ਐਕਟਵਾ ਅਤੇ 8 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਉਰਫ ਸੋਨੂੰ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਐਕਟਵਾ ਅਤੇ 7 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਰਕਾ ਸਪਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ 3-3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਨੇ ਥਾਣਾ ਛਾਟਾ ਅਤੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਇਹ ਚੌਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੌਥਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। पंजाबी गायक इंद्रजीत सिंह निक्कू सचखंड श्री हरिमंदर साहिब में नतमस्तक होने के लिए अमृतसर पहुंचे। इस दौरान निक्कू के श्री हरिमंदर साहिब पहुंचने पर उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे और इंद्रजीत निक्कू के समर्थकों द्वारा उनके साथ सेल्फियां भी ली गई। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब में नतमस्तक होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए निक्कू ने कहा कि वह गुरु घर में वाहेगुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं और वाहेगुरु जी की मेहर से ही आज वे अपना नया चैनल शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम इंद्रजीत सिंह निक्कू रखा है। मोरिंडा में हुई बेअदबी की घटना की निक्कू द्वारा सख्त निंदा की गई। उन्होंने कहा कि ये कौन लोग हैं जो अपने धर्म को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म के नाम पर फूट डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब कभी भी बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए इसे बांटा नहीं जा सकता। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज गुरु साहब का आशीर्वाद लैन लिए पहुंचे हैं। एक तो अज PTC पंजाबी ते वॉइस ऑफ पंजाब छोटा चैंप सीजन 9 शुरू होने लग्या, उसकी जजमेंट करनी है, सो उसकी जजमेंट लई महाराज तो आशीर्वाद लैन लिए पहुंचे हैं। तो सैकेंड अज जिहड़ा लोगों दी दुआवां सदका इन्ना प्यार मिलिया, सब ने इन्ना साथ दिता, दोबारा जिहड़ी जिंदगी शुरुआत हुई है, जिंदगी की शुरुआत लई एक चैनल लॉन्च किया अपना, जो चैनल की शुरुआत भी है। की नाम चैनल का जी? इंद्रजीत निक्कू के नाम से ही है। सो मेरा मकसद से कि महाराज तो पहला आशीर्वाद लैके फिर आप जो काम शुरू करिए। ये तो जिथे भी इदा घटनावां होणगियां मनभागी ने, तो पता नहीं जिहड़े इदा के लोग ने उन्होंने सजावं क्यों नहीं मिलदियां, जां कौन लोग ने जिहड़े इस धर्मां दे विच आ के
ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੋ ਦੁਆਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੇ SSP ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ IPS ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ੋ ਪਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰੋ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਆ ਹੁਆ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ ਜਾਤੇ ਸਮੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਆ ਹੈ। आरोपी से पूछताछ के बाद उसके दूसरे साथी को भी काबू कर लिया गया, जिसकी निशानदेही पर 5 और चोरी के मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए थाना सिटी के इंचार्ज गुरविंदर सिंह ने कहा कि काबू किए गए दोनों नौजवान फिरोजपुर के रहने वाले हैं और यह फरीदकोट से मोटरसाइकिल चोरी करके फिरोजपुर में बेचते थे। फिलहाल इनका रिमांड लिया गया है, जिसमें इनसे और भी सुराग हाथ लगने की उम्मीद है। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। सागर नाम का मुंडा कल फड़िया इतों फरीदकोट चो मोटरसाइकिल चोरी करते फड़िया, वो तो एक मोटरसाइकिल बरामद कर लिया ही, वो फिरोजपुर इतों चोरी करके फिरोजपुर जाके बेचता हूँ सी। रॉबन नाम का मुंडा सी जिन्हों जिदे थ्रू गांव बेचता हूँ सी, वो भी आप फड़ लिया कट्ठे फड़ के पता चलता 6 मोटरसाइकिल इन्होंने बरामद किए। पुलिस 2 बंदे अरैसट किए हम 2 दिन का रिमांड मिले मोरिंडा के गुरुद्वारा साहिब में हुई बेअदबी की घटना पर दमदमी टकसाल के भाई राम सिंह खालसा की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए सख्त शब्दों में इसकी निंदा की गई है। इस दौरान उन्होंने ऐसे आरोपी को मौके पर ही गोली मारने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना के बाद आरोपी को धारा 295 के तहत गिरफ्तार किया जाता है और उसे मानसिक रोगी बताया जाता है। वह लोग ऐसी हरकतें कर छूट जाते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं से सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और उनके मन को ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपी को मौके पर ही गोली मार देनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले सोचे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज जेडी मोरिंडे जिथे छोटे साहबजादे ते बिरध माता गुजर कौर जी नूं कैदी बना के रखिया गया सी, उस शहर अस्थान ते अज एक नौजवान जिहड़ा के सिखी सरूप विच है सने जराबा वो महाराज दे अंदर वड़दा, ग्रंथी सिंह दो ताबिया बैठे पाठ कर रहे ने, उन्हां नूं आ के चपेड़ा मारदा ते पग लैंदी है, दो दियां पगां लैंदियां ते गुरु ग्रंथ साहिब दे सरूप नूं चुक चुक के मारदा। इहो जिहियां घिनौणियां हरकतां पिछले लंबे समें तों पंजाब विच वापर रहियां ने, इह बहुत मंदभागी घटना ते असीं केवल निंदा ही नहीं करदे, असीं कहिंदे वी इहो जिहे बंदियां दा हाशर चुराहे च खड़ा के इहनां नूं सज़ा मिलनी चाहीदी है। भारतीय किसान यूनियन कादिया की इकाई जीरा के सदस्यों की ओर से जीरा के कई किसान भाइयों के पैसे जो कि ट्रैवल एजेंटों के पास फंसे हुए थे, उसे ट्रैवल एजेंटों के साथ बातचीत कर वापस दिलाए गए। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन कादियां के सदस्यों की ओर से जीरा क्षेत्र के गांव सनोवर निवासी एक किसान जिसकी फसल आग लगने के कारण नष्ट हो गई थी, यूनियन के सदस्यों द्वारा अपने किसानों के पास से गेहूं इकट्ठी कर उसकी उस किसान का नुकसान पूरा किया गया। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन कादियां दे जिन्ने भी अहुदेदार साडी जीरे दी टीम आ ये वक् वक् किसानों के वो ट्रैवल एजेंटा वाले पैसे से कुछ एक मोगियों 33 लाख रुपया कालतीए तो लिया, कुछ जिमें एक 15 लाख का चेक से वह भी ट्रैवल एजेंट का सगा, होर जोड़े वक् वक् जिन्हें भी असी चेक दते आ एक 5 लाख रुपया बंसल साहब न जीरे को फैसला कराया सी, 5 लाख का चेक देता, 5 जरा नगद वो साढ़े को एक दो दिन आए ना वो दिता जाऊगा, होर सरपंच एक साढ़े बोतियां वाले वो ट्रैवल एजेंट तो 8,40,000 मड़ाया स, अमन टीवी वालों का 1 लाख रुपया जीरे से कोई फैसला कराया से, इन्होंने कोई फ्रिजा लग्या सीगा, जगराज सिंह बैंक के असी कह के वो पैसों की छोड़ कराई सी, धर्मपाल चोगा जीरे जोड़े साढ़े आढ़ती है नामवार आढ़ती है उन्होंने किसी किसान वाले असी दवाई के पैसे असी समझा बुझा के वह भी उन्होंने फैसला करा के 1,40,000 उन्होंने दिता। इस करके एक असी जोड़ा अज बहुत व्डा जरा सुनेहा पंजाब देन लगे हैं जिदियाँ तुम फोटो कवर कर ली है, एक किसान की साढ़े पिंड लोंगो दे वे कणक सड़ गई सी, असी रात मैसेज पाया सारिया आपदिया कईयां नू
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਗੱਟਾ ਗੱਟਾ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਇਕੱਲੇ ਗੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵੀ ਚੁੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਭਾਈਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਕੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਕੀ ਚਾਰਾ ਕਾਟਨੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਰੂਹ ਕਾਂਪ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਚਾਰਾ ਕਾਟਨੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇ ਕੱਟ ਗਏ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾ ਔਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਸਕੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ। 60 ਵਰਸ਼ੀਏ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਢੰਗ ਸੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਬ ਬੜਤੀ ਉਮਰ ਕੇ ਕਾਰਨ ਉਸਕਾ ਸ਼ਰੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਓ ਸੇ ਮਦਦ ਕੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਜਸਵੀਰ ਮਾਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਟੋਕੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਕਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਟੋਕੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਹੱਥ ਆਏ ਨੇ ਗਾ, ਹੁਣ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਨਰੇਗਾ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਜੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁੜੀਆ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਪ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਦ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਗਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਕੌਣ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਚੱਲ ਉਦੋਂ ਗੱਲੋਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਕੀ ਜਯੰਤੀ ਕੇ ਅਵਸਰ ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਐਵੈਨਿਊ ਸਥਿਤ ਸ਼ੰਕਰ ਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਮੇ 2 ਦਿਵਸੀਯ ਭਵਯ ਆਯੋਜਨ ਆਰੰਭ ਹੁਆ। ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਸ਼ੰਕਰ ਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਿਤੀ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮੇ ਹੁਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਕਾਮਕੋਟੀ ਪੀਠ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਕੇ ਸੌਜਨਯ ਸੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਮੇ ਸਹਸਤ੍ਰ ਘਟ ਰੁਦਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਭਾਗਵਤ ਪਦ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਇਤਿਆਦਿ ਅਨੇਕੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਕੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਭਵਯ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਮੰਦਿਰ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਮੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਅਨੇਕੋ ਗਣਮਾਨਯ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਸੇ ਪਧਾਰੇ, ਕਾਂਚੀ ਕੇ ਕਾਮਕੋਟੀ ਪੀਠ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਸਦੱਸਿਆ BL ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਕੇ ਤਹਿਤ ਰੁਦਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਹੁਆ, ਵਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਨਿਕਾਲੀ ਔਰ ਸੰਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਇਸ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਕੇ ਆਯੋਜਨ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਕਾਂਚੀ ਕਾਮਕੋਟੀ ਪੀਠ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੰਕਰ ਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਤੋਂ ਕਾਂਚੀ ਮੱਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 1008 ਘੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਸਤ੍ਰ ਕਲਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੁਦਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜੀਰਾ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਰੋਡ ਪਰ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਫੋਰ ਗਰਲਸ ਮੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਕਾ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣੇ ਪਰ ਭਵਯ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਟੀਮ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਕੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੀ।
जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। सत श्री अकाल जी, मैं अमरीन शर्मा ते असीं अज आए हुए जीरे, स्मार्ट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है कुड़ियां दा, ते असीं फिल्म दी प्रमोशन करन आए हैं इत्थे। ते जिद्दां कि सारिआं नूं पता है कि नशियां करके साडा पंजाब किन्ना क खराब हो रहा है ना, ते मेरा इहदे विच एज एन एक्ट्रेस रोल है, ते कॉलेज गोइंग आ मैं, ते ये दिखाया गया कि किदां कोई कुड़ी प्यार च पै के मिसयूज हुंदी आ, है ना। ते बस इन्ना क मैसेज देना चाहूंगी सारे पंजाब नूं कि साडे पंजाब नूं बचा लो। रोल बारे तो मैं यही कहूँगा कि मैं बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट रोल कर चुके हैं, पर ये जो है ये मेरे अज तक के किए सारे रोलों का सुमेल है। ये जो रंग ने बहुरंगी फिल्म है, मेरा किरदार बहुरंगा है। एक मेरा एक किरदार ने जिंदगी का सपना पूरा किया कि मैं फिल्म सेंट्रल करैक्टर कर रहा, और बहुत किए ने दमदार रोल किए ने जिन्होंने पिलर कहा फिल्म बहुत बहुत थां ते ये हो हाँ जी ये फिल्म का थम है, पर आह इस फिल्म च मैं बार बार राजीव जी का धन्यवाद करता कि इन्होंने मैं ये रोल है ये वास्ते तरसते रहते हैं लोग, मैं भी इतना तरसते रहा हूँ तक लॉन्च किया गया। महिंद्रा ने वर्ष 1999 में ब्लेरो पिकअप लॉन्च किया था। पिछले 25 वर्षों से इंडिया में नंबर वन पिकअप रहने के साथ साथ महिंद्रा की तरफ से इसमें कुछ बदलाव करके ब्लेरो मैक्स पिकअप रेंज 2 सेगमेंट्स में लॉन्च की गई है। इस सेगमेंट का नाम मैक्स एचडी मैक्स सिटी पिकअप है। मैक्स एचडी में 4 मॉडल्स और मैक्स सिटी पिकअप में भी 4 मॉडल लॉन्च किए गए हैं, जिसमें 2.0 का पेलोड, 10 फीट का डाला, 16 इंच के टायर, आई मैक्स टेक्नोलॉजी सहित कई क्वालिटीज है। वहीं इसके स्टाइल को और बढ़िया लुक देने के लिए कई फीचर्स भी दिए गए हैं, जिसकी हर सर्विस 20,000 किलोमीटर और 2 घंटे के अंदर कंपनी के वायदे के अनुसार की जाएगी, और इसका प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। पहला दिन मैं तुहाडा ते दैनिक सवेरा दा धन्नवाद करदा कि तुसी कीमती समय कढ़ के अज मक्कड़ मोटर आए। जिस तरह तुसी जानदे ही हो कि महिंद्रा पिकअप सैगमेंट दे विच अज नंबर 1 पोजिशन दे विच काम कर रही है ऑल इंडिया दे विच। 1999 तो कंपनी ने पिकअप के उत्ते काम करना शुरू किया, अज पूरी कंपनी दे अज किसी कस्टमर को चल जाओ तो वह महिंद्रा पिकअप ही अपने कमर्शियल काम लिए यूज करेगा। अज कंपनी ने ड्रास्टिक चेंज करते हुए महिंद्रा दी मैक्स सीरीज नवी लॉन्च की है। उन्हें भी 2 तरह की सीरीज लॉन्च की, एक HD ते एक सिटी। सो HD नॉर्मल जी महिंद्रा का डाले का साइज आता सी 8 to 9 फुट ही आता सी, इस वारी फस्ट टाइम 10 फुट डाला कर दिता, तो 2 टन उनकी कपैसिटी कर दी। अज तक इस कपैसिटी की गड्डी नहीं हैगी सी, सो वो गड्डी लॉन्च हो गई अज। तो मैं सारे कस्टमर मक्कड़ मोटर दे ते महिंद्रा दे कस्टमर नूं अपील करदा एक बार आके गड्डी देखो। इस गड्डी दे विच बहुत सारे नए फीचर पाए ने, जो जो कस्टमर की डिमांड सी अज की टैक्नोलॉजी के हिसाब नाल सारे फीचर पा दिते गए ने। जिस तरह कोई फ्लीट वाले कस्टमर होंगे जिन्हों की 8-8, 10-10 गड्डियां चलदियां, उन्होंने बड़ी प्रॉब्लम आती सी कि व्हीकल ट्रैकिंग दे विच प्रॉब्लम आती सी, हुण यू कैन ट्रैक योर व्हीकल वेरी ईजीली। जी सर, मैं गुरजिंदर सिंह ढिल्लों, कंपनी महिंद्रा कंपनी का एरिया मैनेजर। जिवें आप प्रोडक्ट बारे गल की है, प्रोडक्ट बारे कंपनी का आप दस्या है कि किवें साडी कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मैक्स रेंज से लॉन्च किया है। ये अपनी बेस्टिंग सैगमेंट क्लास से एक नया फीचर, नया प्रोडक्ट, एक विद नई टैक्नोलॉजी कंपनी ने लॉन्च की है। ये जिवें आप डिस्कस कर रहे थे कि यदा जो मेन फीचर है यदि मैक्स टैक्नोलॉजी, आई मैक्स टैक्नोलॉजी है, जो बेस्ट इन क्लास है, जिदे तुसी अपनी गड्डी नू प्रॉपर ट्रैक कर सकते हो कि गड्डी दा किवें चल रही है, गड्डी दा मेंटेनेंस परफॉर्मेंस किवें है, उहदी सेफ्टी किवें है। तो ये 5 फीचर ये टैक्नोलॉजी आए हुए हैं,
ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਬਲੈਰੋ ਮੈਕਸ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਐਚ ਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੀ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਨ ਵਾਈਜ਼ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਖਦੇ ਕੰਪਨੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਡੀ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਮੱਕਰ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਅਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਰੀ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਲੀ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਨਾਲੋਂ 20% ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ 20% ਕਿਸ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ? ਨੰਬਰ 1 ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਗੇ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਤੋਂ 2000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪੇਲੋਡ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪੇਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਲਾ ਇਹਦਾ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲੋਅਰ ਮਾਡਲ ਦਾ 9 ਫੁੱਟ ਦਾ ਡਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਫਸਟ ਚੈੱਕਅਪ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਫਸਟ ਚੈੱਕਅਪ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, 20,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ BS 6.2 ਵਿੱਚ ਕਮਿੰਗ ਫੀਚਰਸ ਲਾਈਕ LNT ਐਂਡ DPF ਵੀ ਨਾਲ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਵਨ ਇੰਜਨ M2D1 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ 80 ਹੌਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ, 220 NM ਟੋਰਕ ਹੈ ਔਰ 16 ਇੰਚ ਦੇ ਵੀਲਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਓਵਰ ਸਲੰਗ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਬੇਸ ਆ ਉਹ 3290 ਹੈਗਾ। ਦੇਸ਼ ਕੀ ਅਗਰਣੀ ਔਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੀ ਔਰ ਸੇ GT ਰੋਡ ਪਰਾਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਗਾ ਮੋਟਰਸ ਮੇਂ ਬਲੈਰੋ ਮੈਕਸ ਪਿਕਅਪ ਕੇ ਸਭੀ ਮਾਡਲਸ ਕੋ MD ਰਮਨੀ ਖੋਂਡਾ, ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਔਰ GM ਰਣਜੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਲਾਂਚ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਗਾੜੀ ਕੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕੇ ਬਾਅਦ ਰਾਗਾ ਮੋਟਰਸ ਕੇ GM ਰਣਜੀਤ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਟਾਫ ਔਰ ਗ੍ਰਾਹਕੋ ਕੋ ਇਸਕੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੀ। ਤੋ ਵਹੀ ਰਾਗਾ ਮੋਟਰਸ ਕੇ ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੂਰਜ ਭੋਲਾ ਨੇ ਗਾੜੀ ਕੇ ਗੁਣੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਵਗਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਕਸ HD ਮੇਂ 4 ਮਾਡਲਸ ਔਰ ਮੈਕਸ ਸਿਟੀ ਪਿਕਅਪ ਮੇਂ ਵੀ 4 ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਏ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇਂ 2.0 ਕਾ ਪੇਲੋਡ, 10 ਫੀਟ ਕਾ ਡਾਲਾ, 16 ਇੰਚ ਕੇ ਟਾਇਰ, IMAX ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਹਿਤ ਕਈ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਵਹੀ ਇਸਕੇ ਸਟਾਈਲ ਕੋ ਔਰ ਬੜੀਆ ਲੁੱਕ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਦੀਏ ਗਏ ਹੈਂ, ਜਿਸਕੀ ਹਰ ਸਰਵਿਸ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਰ 2 ਘੰਟੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਨੀ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸਕਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟਲੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਿਕਅਪ ਕਮਰਸ਼ਲ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, 16 ਇੰਚ ਦੇ ਟਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ M2D ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਇੰਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਰੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਡਾਲੇ 'ਚ ਇੱਕ 2 ਟਨ 'ਚ ਪਾਸ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਇੱਕ 17 ਕੁਇੰਟਲ 'ਚ ਪਾਸ ਆਊਗੀ, ਡਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ
पिकअप रेंज गड्डी है, मैक्स सिटी सीरीज़ एंड मैक्स एच डी सीरीज़। ये हर तरह के कस्टमरस नूं केटर करन लई गड्डी है, जिन्हां दे विच सिटी कस्टमरस भी है, लोंग रूट ट्रैवल करने वाले कस्टमरस भी है, हैवी लोड कस्टमरस भी है और घट लोड वाले कस्टमरस भी है। ये और जिन्हां दे विच कुछ कस्टमर जरा माइलेज या फोकस कर रहे हैं, कुछ कस्टमर लोड कैरिंग कैपेसिटी लिए फोकस कर रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स लिए डिफरेंट व्हीकल लॉन्च की गई है। बड़ी कंपेटिटिवली प्राइस है एंड वेरी रेगुलर प्रोडक्ट। महिंद्रा ऑलरेडी मार्केट लीडर है इन पिकअप रेंज के विच एंड उस रेंज को होर स्ट्रेंथन करने लिए आज की डेट महिंद्रा ने नवे प्रोडक्ट्स पिकअप रेंज लॉन्च किए हैं ताकि कस्टमर को होर बेनीफिट दे सके। इन्हें 10 फुट के डाले वाले भी प्रोडक्ट है, हाईटेक प्रोडक्ट भी है। सो दिस अ ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट विच हैज बीन लॉन्च। ये बहुत सारे मॉडल 8 तक ज़्यादा मॉडल लॉन्च हुए हैं जिन्हें डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कस्टमर केटर कर। सर रागा मोटर के शोरूम कितने कितने है जितने रागा मोटर्स का शोरूम जलंधर परागपुर है, कपूरथला है, नकोदर है। रागा मोटर का शोरूम फुगवाड़ा हैगा। सो एंड ईवन जे अगर रागा मोटर्स की एरिया जितने अभी कवर कर सकते अपने कस्टमर को केटर कर सकते हैं वो जलंधर कपूरथला एंड नवांशहर टेरिटरी के कितने भी असी कस्टमर में ये प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। अराबंद में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। मेहतपुर के गांव उधोवाल में एक अज्ञात नौजवान ने घर में दाखिल होकर चलाई गोलियां, मां की मौत, बेटा गंभीर घायल। फरीदकोट पुलिस ने 2 महिला नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, 4 ग्राम हेरोइन, 58,000 रुपए की ड्रग मनी की बरामद। अमृतसर के तरन तारण रोड पर पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई लड़ाई, चले ईंट पत्थर, हुई फायरिंग। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।